ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इफ्तखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान में काम कर रही हूँ और एवरकेयर हॉस्पिटल वापटा टाउन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स की। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हमारे यहाँ अक्सर जो होते हैं, हम एडल्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या एडल्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं और बड़ा रेडिली हमें इसके बारे में ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होता है। लेकिन हमने ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चों में बड़े कॉमनली पाए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे साइकोलॉजिकल चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको डायग्नोज भी नहीं किया जाता। जब आपका डायग्नोसिस नहीं होता तो ये बच्चे अनट्रीटेड होते हैं। शुरू में ये बच्चे अपने लाइफ में, अपने जिस तरह एजुकेशनल होती है उनकी लाइफ, उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उस स्ट्रगल को पेरेंट्स ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि शायद बच्चा जो है वो स्कूल के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा, या अगर वो इमोशनली या सोशली सफ़र कर रहा है तो समटाइम्स यही देखा जाता है कि शायद ये बच्चा कहीं निगलेक्टेड चाइल्ड तो नहीं है। बट बहुत सारे पेरेंट्स और हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटी में भी लोग इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि बच्चों में भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं जिनके बारे में बात करना, और अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा उसका शिकार है तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बच्चों में बड़े कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, सबसे पहला मैं बात करूँगी वो है सेपरेशन एंजाइटी की, कि जैसे ही बच्चा तकरीबन 2.5 साल से 3 साल की उम्र में होता है तो अक्सर माओं ने देखा होगा कि बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी की कोई वर्किंग मदर है या उन्होंने घर के काम करने होते हैं या कहीं जाना होता है तो ये बच्चे इतने इंटेंस हो जाते हैं कि वो माँ को नहीं छोड़ते, या माँ या उनका जो भी केयर गिवर होता है वो उसके साथ ही रहना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होना बच्चे शुरू कर देते हैं, उनकी एंजाइटी बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये वाइस वर्सा है, जब आपका बच्चा सेपरेशन एंजाइटी का शिकार है तो अल्टरनेटिवली वो बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी मदर को भी पास ऑन कर रहा है, कि वो मदर भी अपने कामकाज करने के लिए डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है। वो मदर्स भी समटाइम्स एग्रेसिव होना शुरू हो जाती है, उन मदर्स में भी उनका टॉलरेंस लेवल जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि दिस इज़ नॉट अ कॉमन बिहेवियर, कि आपके अगर 2 बच्चे हैं या आपके 3 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है उन तीनों में ही सेपरेशन एंजाइटी हो। आपके 2 बच्चे बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे, वो आराम से अपने बाकी घर के काम काज करने देते हैं आपको, स्कूल भी आराम से चले जाते हैं, आप किसी दूसरे घर के मेंबर के पास उसको छोड़ देते हैं तो वो मसला नहीं होता है। लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा है जो हर वक्त आपके साथ ही अटैच रहता है, जो आपको कोई काम काज नहीं करने देता, कहीं बाहर नहीं जाने देता, और अगर उसकी स्कूल गोइंग एज है तो वो आपको एक बहुत टफ टाइम दे रहा है। तो दिस इज़ अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर जिसको हम सेपरेशन एंजाइटी बोलते हैं, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट थेरेपीज़ होती है, उसमें पेरेंटल कोचिंग होती है और हम बच्चे के साथ भी कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स होती है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस अप्रोचेस होती है, जिससे उन बच्चों की एंजाइटी कम करते हैं और उनमें कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स जो होते हैं वो डिवेल्प करते हैं। बच्चों में पाया जाने वाला दूसरा एक कॉमन डिसऑर्डर होता है जिसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। अब कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, आपने अक्सर पेरेंट्स को सुना होगा कि बच्चा जो है वो बड़ों से मिसबिहेव करता है, या बड़ों की वो कॉन्शियसली बात नहीं मानता अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ, या अपने बाकी जो उसके कज़न्स वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ वो बिल्कुल ठीक होता है, बहुत कोऑपरेटिव होता है। तो इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा अपने जो एज से बड़े लोग होते हैं जिनमें उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, उनके अदर फैमिली मेम्बर्स जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, उनके आंट्स अंकल्स वगैरह आ जाते हैं और टीचर्स आ जाते हैं, उनके साथ बहुत स्टबन होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं,
है, और कॉन्शियसली ये बच्चे अपने एल्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, वो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो दूसरों के लिए अनोइंग होती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है, बहुत फ्लेक्सिबल है, कोऑपरेटिव है, लेकिन कुछ ऐसे सर्टन उसके एडल्ट फिगर्स है जिसमें पेरेंट्स या कोई दूसरा फैमिली मेम्बर आ जाता है, उनके साथ बहुत रिजिड, बहुत स्टबन, बहुत एग्रेसिव है, तो वहाँ पर हो सकता है उस बच्चे को एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत हो कि देखा जाए कहीं पर वो कंडक्ट डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं है, या उसके कुछ ऐसे बिहेवियरल इश्यूज़ तो नहीं हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। लास्टली मैं बात करूँगी कि जो बच्चों का एक कॉमन डिसऑर्डर है वो है अटेंशन डेफिसिट। हमने ये पिछले कुछ अरसे में देखा कि बच्चों में एक वेरी कॉमन इशू आ रहा है कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। बच्चे सारा सारा दिन जो होते हैं वो स्क्रीन पर टाइम गुजारते हैं। उसका आगाज़ तकरीबन जो हम पेरेंट्स से या मदर से हिस्ट्री लेते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का था या 8 महीने का था या साल का था तो ये खाना नहीं खाता था या टिक के बैठता नहीं था, या वो न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ पे माँ ने अकेली घर भी देखना होता है तो वो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती थी, वो चुप करके बैठ जाता था। तो बहुत अर्ली स्टेज से ही हम बच्चों को जो है वो स्क्रीन पर ले आते हैं, जिसके लेटर ऑन जो मसाइल हमने देखे कि बच्चों की डेवलपमेंट में आ रहे होते हैं वो उन बच्चों की अक्सर स्पीच डिले होती है, इन बच्चों की अटेंशन एंड कंसंट्रेशनल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बिना पर जब वो स्कूल गोइंग एज में होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की वजह से इन बच्चों के मेमोरी इफेक्ट होती है, उन बच्चों की लर्निंग डिले होती है, और देखा यह गया है कि इन बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले आना शुरू हो जाता है कि वो सोशली, इमोशनली, कॉग्निटिवली एंड इवन इन देयर मोटर स्किल्स वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं, अपने एज ग्रुप से पीछे रहना शुरू कर देते हैं। तो अब बीइंग द साइकोलॉजिस्ट मैं सब पेरेंट्स को ज़रूर ये एडवाइस करूँगी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आर रियली वेरी सीरियस वन। अगर आप इनको अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोज कर लेते हैं तो इनका प्रोग्नोसिस गुड होता है। प्रोग्नोसिस मीन कि उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है और उसमें लेस टाइम टेकिंग होता है। अगर हम इनको अनट्रीटेड छोड़ दें तो इन्हीं का जो प्रोग्नोसिस होता है या उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, एक तो वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, लंबा हो जाता है, और दूसरा उसके आउटकम्स उतने हेल्दी या उतने प्रोग्रेसिव नहीं होते। बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर चाइल्ड, बिकॉज आपका बच्चा आपकी सबसे पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी है। तो बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी नीड्स को देखें, उसकी ज़रूरियात को पूरा करें, और उन ज़रूरियात में उसकी मेंटल वेलनेस या मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें तो आप ओला डॉग पे ऑनलाइन या एट क्लिनिक अपॉइंटमेंट आसानी से बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।